हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सारन की हाल चाल तो भैया, आज अपन लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं, टाइटल थंबनेल आपने सब देखा है एक्सपेंसेस पे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप इधर लैंड कर जाओगे तो सबसे पहले दो काम करने हैं आपने। एक तो सिम लेनी है आपने, ठीक है, मोबाइल सिम जो होती है वो ले लो। और अभी काफ़ी लोग आप लोग बोलोगे कि जो इंडियन सिम्स हैं तो वो रोमिंग करवा कर वो कि चल जाती है। भाई वो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको TFN अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स फाइल नंबर, क्योंकि आपको जॉब ढूंढनी है ना। विदाउट TFN आपको कोई जॉब नहीं देता इधर। आपके पास TFN होना चाहिए, टैक्स फाइल नंबर। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे YouTube पे सर्च करना TFN और आगे मेरा नाम लिख के वो आ जाती है वीडियो। बाकी फिर भी अपन लोग ट्राई करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की। तो TFN से ये होगा कि आपने अगर मान लो अप्लाई किया हुआ तो उसके बीच में आप जॉब ढूंढ सकते हो। अगर मान लो कोई आपको बोलता है कि तुम्हारे पास TFN है, उसको बोलो कि भाई मैं अभी नया हूं और मैंने अप्लाई कर रखा है, आ जाएगा। 14 दिन में बाई पोस्ट आता है। जो भी एड्रेस आपको डालना होगा, जिधर रह रहे होगे वो एड्रेस डालना, तो 14 दिन बाद अपना पोस्ट चेक करना, वहां पे आ जाएगा। वो एक नंबर होता है, बस उसको सेव कर लेना अपने फोन में TFN करके, ताकि कहीं भी आपको जरूरत पड़ती हो टैक्स फाइल नंबर होता है। ज्ञान की बात होगी पहले ही, बात कर लेते हैं मेन चीजों की। जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो आता है हमारे रूम रेंट का। जैसे यार मैंने एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट, बहुत बड़ा तो नहीं है बट मेरे हिसाब से बड़ा है, ये अपन लोगों ने रेंट कर रखा, तो इसका रेंट जाता है $300 के समथिंग। मेरे को सारी फैसिलिटीज मिली है, लाइट वगैरह इंक्लूडेड सब कुछ इसमें है, फुली फर्निश्ड है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सलाह नहीं देता, क्योंकि आप अभी नए नए आओगे, तो समझदारी यही है कि आप किसी के साथ शेयर करो। अगर नहीं भी शेयर करना चाहते, जैसे लड़कियां या किसी लड़के को नहीं पसंद होता, इसको आज की करनी है तो नहीं पसंद आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करनी इसको रात भर, तो वो नहीं करेगा। किसी के साथ शेयर करे, किसी की नींद खराब करे, तो बेटर ये है कि आप बहुत सारे ना ऐसे अकोमोडेशन है, जैसे यूनिलॉज हो गया, स्टूडेंट मन हो गया, और अर्बन ईस्ट करके 3-4 और एक स्केप होता है, इनकी वेबसाइट पे जाओ, आप बुक कर सकते हो। $150 लगते हैं एक वीक के, और उसमें लाइट बिल फ्लान इमकाना सब इंक्लूडेड होता है, फुली फर्निश्ड होता है। बस शायद आपको थोड़े से अपने बर्तन रखने पड़े, वो तो आप थोड़े बहुत एक आधी प्लेट तो लेके आओगे ही। उससे ये होगा कि आपको कोई भी बेड वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है $150 में, जहां पे आप रहोगे। अगर मान लो किसी आप फैमिली के साथ भी रहते हो, तो बहुत सारी ना फैमिलीज ने डाल रखा होता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे, आप चेक कर रहे हैं गमट्री पे रेंट के लिए। बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती है, जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे साथ एक बंदा या लड़की कोई रहती है, या मतलब थोड़ी भाभी समझ लो, ठीक है। अगर मान लो हम लोग दो लोग रहते हैं और हमारे पास 2 बेडरूम है, ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं बड़ा घर रेंट करके, जैसे बड़ा मतलब 2-3 बेडरूम वाला, वो रेंट करके बाद में आगे बच्चों को रेंट पे और दे देते हैं, जो सिंगल सिंगल रूम्स होते हैं, जैसे मैं भी पहले रहा हूँ, ऐसे $150 में दे देते हैं। तो उनके साथ ये कि आपकी खाने पीने का भी इजीली हो जाता है, आप उनके साथ ग्रोसरी भी शेयर कर सकते हो। इंडियन फैमिलीज के साथ शेयर करो, फायदे में रहोगे उस मामले में। बट कई मामले मैंने देखे हैं जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ बच्चों को मैंने रखवाया था, उनके एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे हैं। उन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने रखवाया था उनकी हरकत सही नहीं थी, तो इसलिए ये खराबी आई है। तो इतनी टेंशन मत लेना, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। आप गूगल पे ढूंढना, या मतलब उस पर एक होता है, क्या होता है, फ्लैटमेट्स करके, उससे ढूंढ सकते हो। flatmates.com पे जाओगे, flatmates.com, वहाँ पे आपको रूम्स मिल जाते हैं। अर्बन ईस्ट, स्टूडेंट वन, यूनिलॉज, ये 3 वेबसाइट हैं बड़ी बड़ी जहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशंस मिलती हैं। और यहाँ फिर आप फेसबुक मार्केट प्लेस और गमट्री, ये ध्यान रख लो, लिख लो, नोट कर लो, इस पे ढूंढना चालू कर दो अगर किसी के पास रूम का जुगाड़ नहीं है तो, ठीक है। और इनके रेंट हो गए $150 एक वीक का होता है, मैं पहले बता दूँ एक वीक। बाद में कमेंट्स में फिर लोग पूछते रहते हैं भैया वीक का है कि मंथ का है, बताने के बाद भी। तो एक वीक का $150 मिनिमम होता है, 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है सिंगल रूम का। वॉशरूम आपको शेयर भी करना पड़ सकता है, वो किस्मत आपकी है, किस्मत। तो उसमें ये भी होगा कि आपको 2 वीक का एडवांस देना पड़ेगा, तो $150-$300 के समथिंग हो जाएगा, ये सीन चलता है वहाँ पे। 2-2 वीक के भी जाते हैं और 1-1 वीक का भी पैसा जाता है, अपने हिसाब से उनसे बात कर लेना कि मैं वीकली दूंगा या 2 वीक बाद दूंगा। तो $600 के समथिंग ये हो गया आपका एक महीने का खर्चा, मैं महीने का बताऊंगा अब, 150 × 4, 600, ठीक है। और फिर बात आती है, अगर मान लो आपने घर लिया, जैसे मान लो कोई अपार्टमेंट हायर कर लेते, जैसे हम लोग जब पोर्ट में करी थे तो हमने घर लिया था, तो हमें लाइट का पैसा देना पड़ता था। लाइट का पैसा ये आता था कि 3 महीने का $100-$150 पहले आता था। जब हम लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए तो $600 भी आता था, क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारी चलती रहती थी। कम लोगों के साथ रहो, खर्चे कम होते हैं, ये भी एक। रूम रेंट तुम्हारा जरूर बचता है जब ज़्यादा लोग में रहते हो, लेकिन बाकी खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, वो नहीं करना, मतलब गंद में नहीं रहना, आराम से अच्छे से रहो। हाँ, फिर आता है सिम प्लान। अभी काफ़ी लोग जब नए नए आओगे तो आपको फ़ोन लेने का शौक होगा, सब लोगों को आईफोन लेना है, ठीक है, बट तसल्ली कर लो, थोड़े दिन अभी जॉब्स की मारामारी हो जाएगी एकदम से, इतने मतलब चादर मत खींचो कि फट जाए। इसलिए ध्यान रखो कि उतने खर्चे करो जितने आप पैसे लेके आओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 या $2000 लेके आओगे। अब इतने अगर जो ज़्यादा रईस हैं उनके लिए तो वीडियोस बनती नहीं है, ना वो हमारी वीडियोस देखते हैं। जो हमारे जैसे गरीब बच्चे हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज वाले, उनके लिए ये है कि आप 1000 या $2000 लेके आओगे, तो वो ऐसे ना करना कि फालतू की चीज़ों में डालो, सेव करने की सोचना कि पहले बचा बचा के धीरे धीरे खर्चो। जो सिम होती है हमारी, सिम ओनली प्लान, जो सिम प्लान्स ओनली, सिम ओनली प्लान्स आते हैं, तो टेलस्ट्रा, ऑप्टस
और बिंग, बहुत सारे हैं यार छोटे मोटे, मेरे को नाम भूल गया। आप उनके पास जा सकते हो, सबसे महंगा इधर है टेलस्ट्रा, लेकिन उनका नेटवर्क सबसे फास्ट है, अच्छा है, और आपको उसमें इंटरनेशनल कॉल्स भी मिलती हैं, 45 या 55 या 65 डॉलर्स का ऐसे करके प्लान्स आते हैं इनके, वो चेक कर लेना। ठीक है, ख़त्म कहानी, मतलब 10 से लेके 85 डॉलर्स तक के प्लान आते हैं अलग अलग। तो इसको एक महीने का आप $80 मान के चलो, $680 खर्चा हो गया यहाँ तक, अगर आप मतलब घर हायर नहीं करते जैसे हम लोगों ने किया, मतलब रेंट नहीं करते हो यूनिट उसके, उसमें नहीं तो फिर $100 वो भी ऐड कर लेना अपनी, वो मंथली नहीं होगा, $30 उसको ऐड करने पड़ेंगे, हमारा जो लाइट बिल है मैंने इधर लिखा हुआ है, मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए हमारे हो जाएंगे 670, 680 और 30-20 वो मिला लो, तो $700 की समथिंग ये खर्चा हो जाएगा, मोटा मोटा मैं जोड़ रहा हूँ, मोटा मोटा। फिर आता आपका इंटरनेट यार, अगर आप मान लो मेरे, हमने जैसे पोर्ट मुकरी में घर लिया था ना, तो हमें इंटरनेट भी लगवाना पड़ा था, लेकिन आप नए नए आओगे तो आपको ये पंगे लेने की जरूरत नहीं, आराम से रहो। सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट ऐसे कोई भी देखो जहाँ पे आपको $150 देना पड़े और आपकी छुट्टी, वहाँ पे इंटरनेट भी होता है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है, सब कुछ, लाइट पानी बिजली, लाइट पानी बिजली तीन, लाइट बिजली एक ही चीज़ होगी, ये सब उसी में होता है, आपको कुछ नहीं देना होता है, बस ये कि थोड़ा ध्यान रखना, साफ सफाई रखनी पड़ती है इधर, आपको खुद अपना काम खुद करना पड़ेगा, कोई करेगा नहीं तुम्हारे बर्तन उठा के रखे, ये आदत पहले से डाल लेना इधर, नहीं तो लोग भगा देते हैं घर से रात में भी। फिर आता है आपका ट्रैवल का यार, देखो हर एक सिटी का अलग अलग पास है, जैसे मेलबर्न में माइकी, हाँ माइकी होता है, और सिडनी में ओपल होता है, और ब्रिस्बेन में गो कार्ड होता है, तो इसमें अगर आप एक महीने का भी लगा के चलोगे ना, तो आपको एक साइड से दूसरी साइड जाने में $3 या $3.5 का लगता है, और अगर आप स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट ही हो ना, अकोमोडेशन क्यों बोल रहा भाई, रुक जा ला, गुजर ना जाइए। हाँ तो अगर आप स्टूडेंट कंसेशन वाला कार्ड लेते हो, मतलब आपको कार्ड नॉर्मल ही लेना पड़ेगा, बाद में उनकी वेबसाइट पे जाके आपको भरनी पड़ेगी अपनी डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी वगैरह, तो उससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जहाँ पे आपके $3 लगते हैं वहाँ पे आपके $1.5 लगेंगे। लेकिन अगर आप बस में जाते हो, जैसे अगर आप रीजनल में आ रहे हो, जैसे हम लोग पोर्ट मुकरी में थे, वहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं चलता था, जस्ट हमें अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था, वो फिर वहाँ पे डिस्काउंट डाल देता था हमारे, फिर $1.5 करते थे $3 के, ऐसा सीन था। तो $100 मैक्स आपका लगेगा ट्रैवल का, अगर आप डेली कुत्तों की तरह से घूमोगे तो फिर ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन बड़े शहरों में कुछ है लिमिट की, अगर आप $18 या $20 इतने एक दिन के फूकते तो आपका अनलिमिटेड हो जाता है, कन्फर्म नहीं है, बस मैंने ये सुना है, गूगल करें इसके बारे में, मैं ज़्यादा हाथ नहीं हिलाने लग गया ऐसे करके। हाँ तो अगला खर्चा अगला खर्चा है हमारा कार का, अगर आपके पास पैसा है, आप आते अगर गाड़ी ले लेते हो, तो आपको रेजो रेजो करवानी पड़ती है, जो भी आपने गाड़ी लेनी है, मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी हैं कुछ कि गाड़ी लेने के टाइम क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए चीज़ें, उनको जरूर देखना, नहीं तो आपके लग सकते हैं, जैसे मैंने पहली गाड़ी जब ली थी मेरे लगे थे, मेरे को ध्यान नहीं था, बट उसके बाद मैंने वीडियो बनाई ढंग से, तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के फिर गाड़ी लेना। तो गाड़ी का खर्चा भी साइड में करते हैं, वैसे $2,000 की बहुत अच्छी गाड़ी आई थी, $2,000-3,000 की, और जो भी गाड़ी लेना BMW, ऑडी वगैरह या फॉक्स वैगन को छोड़ के, ठीक है, ये GTA किड्स फुद्दू गाड़ी, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्कर में मत रहना, टोयोटा हुंडई और ये सेक्सी कार्स हैं होंडा वगैरह, इनको लो, आपके खर्चे भी कम हैं और आपकी सर्विसेज भी कम होंगी, फलाना ढिमकाना, मतलब कुल मिला के आप सेफ साइड में रहोगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी गाड़ी लेनी ऑलवेज, जब आपके पास बहुत पैसा आ जाए फिर तो चाहे हमारी तरफ से रेंज रोवर ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है, बट स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा ध्यान रखना। और रेजो होती है हर एक सिटी की अलग होती है, मतलब सिटी की नहीं, हर एक स्टेट में थोड़े थोड़े पैसे का फर्क है, हमारे इधर $300-400 में होती है 6 महीने की, और प्लस आपको सर्विस नहीं क्या होता है, इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, वो $22-23 की होती है, फर्स्ट हैंड करवाते हो, कॉम्प्रिहेंसिव करवाते हो, कौन सी करवाते हो उसके हिसाब से होता है, ठीक है। और अगला खर्चा आता है ग्रॉसरी का, यार देखो ग्रॉसरी अगर आप वीकली बताओ तो $100 की लग ही जाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो, अगर बहुत ज़्यादा का मतलब ये कि अगर आपको फालतू की चीज़ें खाने का शौक है तो आप $100 तक की ग्रॉसरी फूक सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से $50 की ग्रॉसरी में भी चल जाता है, $100 की ग्रॉसरी मैक्स है, तो $400 मंथ का मान के मैक्स चलो, मैक्स। अगर आप दारू वगैरह नहीं लाते, उसमें दारू की बोतल 70-80 की आती है अच्छी वाली, ग्लेनफिडिच की 96 की आती है, अभी सस्ती और रखी है थोड़ी, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, जिनको दारू दूर पीने का शौक है तो वो अभी कंट्रोल करके चले खर्चे, ये सीन है। फिर अभी नए नए आओगे, क्लब जाने का भी शौक है, घूमना भी है, ये फालतू के खर्चे होंगे, वो आपकी जेब पे है, आपने कैसे करने। क्लब अगर जाना है तो उसकी एंट्री फीस कई बार $5 होती है, कई बार 10 होती है, कई बार 25 होती है, कई बार 30 भी होती है, कई बार 50 भी होती है, कई बार $0 होती है, डिपेंड करता है कौन सा दिन है और कौन सा क्लब है। जितने महंगे क्लब में जाना चाहें आप जा सकते हैं, और हरकत नहीं करनी है, मैं पहले बता दूँ, बाकी समझदार हो आप लोग, यहाँ पर किसी को छेड़ना नहीं है, ठीक है, हरासमेंट वाला केस पड़ जाता है और डिपोर्ट तक कर देते हैं, कर सकते हैं, ऐसा है, तो हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि हर जगह कैमराज लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें होती है, दारू पी के जनता
खुला ही काम होता है सब कुछ, तो इसलिए मैं पहले ज्ञान दे रहा हूँ जो भाई मेरे आ रहे हैं तो हरकतें ना करना, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसी हरकतें हो रखी हैं पहले तो हम लोगों को कहानियाँ पता हैं, तो इसलिए हम लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा कान में घुसाओ यार, मतलब जब भी आओगे इधर तो इंसानों की तरह रहना, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग होते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे और हम लोग की सबसे पहले कह के ली जाती है अगर कोई भी हरकत होती है, समझ गए। और इधर किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को कैश पैसा देना नहीं है। कोई भी अगर मांगता है कि मैं तेरा ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, इधर पैसे लेके कुछ नहीं होता है, तो किसी को भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, जो भी होता है फ्री में होता है, चाहे अपने बैंक अकाउंट खुलवाना है चाहे कुछ भी करवाना है, क्योंकि हमारे देसी बहुत पहुँचे हुए हैं इधर, वो साले स्कैम करने पे बहुत आ गए, तो थोड़ा बच के रहना हर एक से, चाहे देसी हो चाहे कोई भी हो, और लड़ाई किसी से नहीं करनी है, आराम से हर एक बंदे को रास्ता दे के चलना है प्यार से, बहुत ढंग से, ये सीन है। ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं अपन तो, बस इतनी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान करके चलना, खर्चे आपके ज़्यादा नहीं होंगे। जो मेरे खर्चे आते हैं मेरे $1200-1300 के समथिंग आता था जब मैं पोर्ट मुकरी में था, अभी मेरा खर्चा बढ़ गया, अभी तो मतलब $300-1200 मेरा खाली रूम रेंट का आता है, रूम रेंट है जो मेरा, और बाकी मेरे खर्चे और भी हैं, मतलब इधर उधर घूमने फिरने वाले, क्योंकि अपना अभी सेट है। जो नए नए बच्चे आते, जब मैं नए नए आया था, मेरी पुरानी वीडियो जाके चेक करना, मैं कितनी कंजूसी करता था, मैं बहुत कंजूसी करता था, मतलब बाहर तो मैं खाता ही नहीं था। और मैं हंगरी जैक्स की ऐप होती है उसमें विन एंड शेक का होता है, उसको मतलब हिलाओ और उसमें ऐप पे जाओगे तो आपको पता लगेगा, मैंने वीडियो बना रखी है पहले चेक कर रहा, बहुत पुरानी वीडियोज़ है, तो उसमें आपको फ्री फूड भी मिल जाता है, वहाँ पर अपने जैसे स्कैन करवाना होता है फ्री फूड, आ जाओ। और बाकी एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि अगर आपने घर बनाते हो, अगर आप जिस दिन नहीं बना पाते हो, गुरुद्वारा साहिब में कभी मनाही नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ चले जाओ। मैं एक दो बार गुरुद्वारा साहिब गया जब मैं सिडनी में था, तो वहाँ पे इतना अच्छा सीन था कि वो लोग ये भी कहते थे कि अगर आपको पैक करके लेके जाना हम आपको पैक करके भी दे देते हैं। तो हम लोग मतलब पैक करवा के तो नहीं लाए, बट हम लोग वहाँ पे खा के आते थे। गंद नहीं मचाना, हर जगह जाके प्यार से रहो, गुरुद्वारा साहिब में आप जाके रोटी वगैरह भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लंगर छक के हो प्यार ना, ये सीन है। किसी भी जगह जाओ, हर एक गुरुद्वारा साहिब में लंगर मिल जाता है। स्टूडेंट्स जो नए नए आएंगे उनको दिक्कत होगी, बट आप जा सकते हो वहाँ भी। तो बस यही है ज्ञान की बात, बाकी प्यार से रहो सब लोग, मिलते हैं फिर जो मतलब इधर आएंगे, प्यार से रहेंगे, प्यार से मिलेंगे सबसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन लोग इधर ब्रिस्बेन की गलियों में कहीं ना कहीं घूमते मिल जाएंगे, डिलीवरीज करते वीकेंड्स पे, ये सीन है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और चैनल कर दे सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू बुके, टेक केयर, और टिकटें जल्दी से जल्दी करवा लो, मेरे को ये भी डर रहता है कि साले कभी भी बंद कर सकते हैं, तो पहले वीक बुक में आ जाओ जितने ने आना है, बाद में अगर एक आधा भी केस आ गया बंद कर देंगे, ऐसा मेरे को लगता है, बाकी करें ना करें पता नहीं, किस्मत। बाय, लव यू ऑल, बाय।